गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आज हम आप लोगों को घात और घातांक, कल हम इसके कुछ उदाहरण बताए थे आप लोगों को, आज हम उस प्रश्नावली के सवाल बताने जा रहे हैं। जैसे घात और घातांक के जो जिसकी पावर, जैसे हम बताए थे कल कि जैसे दो लिखा है, इसकी पावर दो है, दो ये हमारा क्या है, आधार है, क्या है, आधार है, आधार है, और इसकी पावर जो दो लिखी हुई है, घात दो लिखी हुई है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, घात बोलते हैं, उसे क्या बोलते हैं, घात बोलते हैं। तो यहाँ पर लिखा हुआ दो की पावर छः, दो की पावर छः, तो यहाँ पर दो हमारा आधार है और छः हमारा क्या है, घातांक है, छः हमारा घातांक है। तो यहाँ पहला सवाल हमारा है दो की पावर छः, तो मतलब इसकी दो को हम लोग कितनी बार मल्टीप्लाई करेंगे, छः बार मल्टीप्लाई करेंगे, दो को कितनी बार मल्टीप्लाई करेंगे, छः बार मल्टीप्लाई करेंगे, दो दो गुड़े दो गुड़े दो गुड़े दो गुड़े दो और गुड़े दो। अब गुणा करने के बाद हमारा आंसर कितना था, बोल रहा है निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए, इसका टोटल नंबर कितना आ रहा है, दो दूनी चार, चार दूनी आठ, आठ दूनी सोलह, सोलह दूनी बत्तीस, बत्तीस दूना चौंसठ, बत्तीस दूना चौंसठ, ये हमारा आंसर आ जाएगा। और उसी तरह दूसरा सवाल हमारा है नौ की पावर तीन, नौ की घात तीन, तो नौ को कितनी बार गुणा करेंगे, तीन बार गुणा करेंगे, नौ गुणे नौ गुणे नौ बराबर नौवा इक्यासी, इक्यासी नवा, नौ एकम नौ, नौ अठे बहत्तर, सात सौ उनतीस, सात सौ उनतीस। इसी तरह तीसरा सवाल हमारा है, तीसरा सवाल है हमारा ग्यारह की पावर दो बराबर ग्यारह गुणे ग्यारह ग्यारह गुणे ग्यारह बराबर ग्यारह ग्रहियम एक सौ इक्कीस, एक सौ इक्कीस। इसके बाद हमारा चौथा सवाल है पाँच की पावर चार, पाँच की पावर चार, तो यहाँ पाँच गुणे पाँच गुणे पाँच गुणे पाँच बराबर पचवा पच्चीस, पच्चीस पच्चे एक सौ पच्चीस, एक सौ पच्चीस पच्चे छः सौ पच्चीस। इस तरह से हम लोग सवाल को हल करेंगे। इसी प्रकार हमारा दूसरा सवाल है, दूसरा सवाल क्या है, बोल रहा है निम्नलिखित को घातांकीय रूप में व्यक्त कीजिए, निम्नलिखित को घातांकीय रूप में व्यक्त कीजिए, बोल रहा है निम्नलिखित, निम्नलिखित को, निम्नलिखित को घाती घातांकीय रूप में व्यक्त कीजिए, कीजिए। यहाँ पे बोल रहा है पहला सवाल है छः गुणे छः गुणे छः गुणे छः, छः गुणे छः गुणे छः, तो यहाँ छः हमारा क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा, छः हमारा क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा। और जितनी संख्या होती है, जितनी संख्या होती है उसको हम लोग घात में परिवर्तित कर लेते हैं, जैसे एक दो तीन चार, तो यहाँ छः की पावर कितनी लग जाएगी, चार लग जाएगी, छः की पावर चार लग जाएगी। इसी तरह से हमारा दूसरा सवाल है, दूसरा सवाल है टी मल्टीप्लाई टी बराबर टी मल्टीप्लाई टी का मतलब क्या हो गया, एक टी और यहाँ पर दो हट्टी है, तो यहाँ टी का वर्ग हो जाएगा, टी का क्या हो जाएगा, वर्ग हो जाएगा। उसी तरह हमारा तीसरा सवाल है बी गुड़े बी गुड़े बी गुड़े बी, अब बी हमारा आधार हो जाएगा और पावर कितनी हो जाएगी, चार हो जाएगी, पावर हमारी कितनी हो जाएगी, चार हो जाएगी। इसी तरह से हमारा चौथा सवाल है, चौथा सवाल है पाँच गुड़े पाँच गुड़े सात गुड़े सात गुड़े सात,
अब यहाँ पर संख्याएं हमको दो मिल रही हैं, हमको संख्याएं कितनी मिल रही हैं, दो संख्याएं मिल रही हैं, एक पाँच मिल रहा है और एक सात मिल रहा है। अब इसमें हम लोग क्या करेंगे, अब यहाँ पर हम लिखेंगे पाँच, पहले लिखेंगे पाँच की पावर कितनी है, एक दो, यहाँ पर दो लिख लेंगे और फिर गुणे का निशान बीच में है तो गुणे का निशान लगा लेंगे, फिर कौन सी संख्या है, सात है, तो यहाँ पर एक दो तीन, तो हमारी पावर कितनी हो जाएगी, तीन। तो मतलब जो संख्याएं जैसी रहेंगी, जो संख्याएं जैसी रहेंगी उस तरह से हम लोग पावर लगाएंगे, मतलब पाँच हमारा दो बार है तो हम लोग दो लिखेंगे, दो बार लिखेंगे दो पावर दो लगाएंगे, और सात हमारा तीन बार है तो पावर उसकी तीन लगाएंगे, पावर उसकी कितनी लगाएंगे, तीन लगाएंगे। इसी तरह चर और अचर दोनों मिक्स होते हैं, जैसे दो गुड़े दो, फिर ए गुड़े ए, ए गुड़े ए। अब यहाँ पर क्या होगा, अब यहाँ पर हम लोग दो की पावर दो लगा लेंगे और गुड़े ए की पावर दो लगा लेंगे, ए की पावर कितनी लगा लेंगे, दो लगा लेंगे। इसमें देखो चर और अचर दोनों संख्याएं हैं, चर और अचर दोनों संख्याएं हैं। इस तरह से हम लोग सवाल को लगाएंगे। अब बोल रहा है, यहां बोल रहा है निम्नलिखित संख्याओं में प्रत्येक के घातांकीय संकेत में व्यक्त कीजिए, प्रत्येक संख्याओं को किसमें व्यक्त करना, घातांकीय संकेत में व्यक्त करना है। निम्नलिखित संख्याओं में से, निम्नलिखित संख्याओं में से प्रत्येक प्रत्येक को घातांकीय संकेतन में व्यक्त कीजिए। अब जैसे हमारा यहाँ पे पहला सवाल है 512 और दूसरा सवाल है 343, तीसरा है 729 और चौथा है 3125। इन संख्याओं को हमको घातांकीय रूप में व्यक्त करना है, इसको घातांकीय रूप में अगर व्यक्त कर रहे हैं हम लोग तो 512 लिख लेंगे। 512 किन संख्याओं से विभाज्य हो सकता है, उनको निकालने के लिए हम लोग छोटा सा यहाँ पे उसका एलसीएम निकाल लेते हैं। जैसे 512 है तो यहाँ पाँच दो से करेंगे, दो दूनी चार, दो पच्चे दस, दो छक्का बारह, फिर यहाँ दो से करेंगे, दो एकम दो, दो दूनी चार, दो अट्ठे सोलह, फिर दो से करेंगे, दो दो छक्का बारह, दो चौको आठ, फिर दो से करेंगे, दो तीन छः, दो दूनी चार, फिर दो से करेंगे, दो एकम दो, दो छक्का बारह, फिर दो से करेंगे, दो अट्ठे सोलह, फिर दो से करेंगे, दो चौको आठ, फिर दो दूनी चार, फिर दो एकम दो। अब यहाँ पर हम संख्याओं को गिन लेंगे, एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ, तो यहाँ लिखेंगे दो गुड़े दो गुड़े दो गुड़े दो गुड़े दो, दो गुड़े दो गुड़े दो, एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ और नौ। अब यहाँ दो की पावर हम लोग नौ लगा देंगे, दो की पावर नौ हम लोग लगा देंगे। इसी तरह हमारा दूसरा सवाल है 343। ये संख्या किस संख्या से विभाज्य होगी हम लोग उसको देखते हैं। तो यहाँ पर लिखा है 343
अब यहाँ पर यह संख्या 3 × 3 13 बज जा रहा है, नहीं जाएगी। अब हम लोग 7 से देखते हैं, 7 से देखेंगे, 7 × 4 = 28, 28 × 6 = 63, फिर 7 से करेंगे 7 × 7 = 49, फिर 7 से करेंगे 7 × 7 = 7, तो 7 × 7 = 7 बराबर 7³। 7³। इसी तरह हम लोग तीसरा सवाल देखते हैं, लिखा है 729 बराबर। अब हम लोग 729 को किस संख्या से विभाज्य करेंगे, यहाँ पर 729 तो 3 से 3 × 6, 3 × 4 = 12 और 3³ = 9, फिर 3 से 3 × 8 = 24, 3 × 8 = 24 और 3³ = 3, फिर 3 से 3² = 6, 3 × 7 = 21, फिर 3 से 3⋅9 = 27 और फिर 3 से 3³ = 9, फिर 3 से 3³ = 3। अब यहाँ लिखेंगे 3 × 3 × 3 × 3 × 3 × 3 3³ = 9, 9³ = 27, 27³ = 81, 81³ = 243, 243³ कितना हो जाएगा 729। तो यहाँ हमारा 3³ = 1, 2, 3, 4, 5, 6 इन संख्याओं को गिनकर क्या लगा देंगे, उनकी पावर लगा देंगे। अब इसके बाद हमारे चौथी संख्या है, 31, 25 बराबर 3125 है, तो 3125 को किस संख्या से पहले विभाज्य करेंगे, तो यहाँ पर 3125, तो हमारी लास्ट में क्या है, 5 है, 5 देखेंगे, 3 के टेबल में 5 आता है लास्ट में, तो 3 से कट रहा है, 3³ = 3, 3² = 12 और 5 हमारा बच जा रहा है, तो इसलिए हम लोग किस संख्या से काटेंगे, 5 से काटेंगे, 5 × 6 = 30, 5² = 10, 5 × 25, फिर 5 से काटेंगे, 5 × 5 = 5, 5² = 10, 5 × 25, फिर 5 से काटेंगे, 5² = 10, 5 × 25, फिर 5 से काटेंगे, 5 × 25, फिर 5 से काटेंगे, 5 × 5 = 5। अब हमारा आ जाएगा यहाँ पे 5 × 5 × 5 × 5 × 5 बराबर 5 की पावर 5 आ जाएगा हमारा। इस तरह से हम लोग सवालों को हल करेंगे। अब कल हम कुछ आप लोगों को जैसे उदाहरण बताए थे, छोटी और बड़ी, छोटी बड़ी संख्याओं की तुलना करना, छोटी और बड़ी संख्याओं की क्या करना, तुलना करना, जैसे जिसकी पावर 2 दी हुई है और एक संख्या की पावर 2 दी हुई है और एक संख्या की पावर 4 दी हुई है, उन संख्याओं में कौन सी संख्या हमारी क्या है, बड़ी है, कौन सी संख्या हमारी बड़ी है, उसके बारे में कल हम बताए थे आप लोगों को। तो उसी तरह से आज हम बताने जा रहे हैं आप लोगों को, जैसे निम्नलिखित में से निम्नलिखित में से प्रत्येक भाग में जहाँ भी संभव हो बड़ी संख्या को पहचानिए। अब हमारा पहला सवाल यहाँ पे है, जैसे 4³ या
तीन की पावर चार। तो इन संख्याओं में कौन सी संख्या बड़ी है, इन संख्याओं में कौन सी संख्या बड़ी है। अब यहाँ पर लिखेंगे हम लोग तीन की पावर चार की पावर तीन या तीन की पावर चार। तो यहाँ चार को हम लोग पहले तीन बार गुणा करेंगे, चार को हम लोग पहले कितनी बार गुणा करेंगे, तीन बार गुणा करेंगे, चार गुणे चार गुणे चार, और फिर तीन को हम लोग चार बार गुणा करेंगे, तीन गुणे तीन गुणे तीन। अब तीन चार चौको सोलह, सोलह चौको सोलह चौको सोलह चौको चौंसठ या तीन तिरिक्का नौ, नौ तिरिक सत्ताईस, सत्ताईस तिया सत्ताईस तिया सत्रिक इक्कीस और तीन दूना छः, छः दू आठ इक्यासी। अब हमारी बड़ी संख्या कौन सी है, तीन की पावर चार बड़ी है, तीन की पावर चार क्या है बड़ी है, तीन की पावर चार हमारी कौन सी संख्या है बड़ी संख्या है। इसी तरह से हमारा दूसरा सवाल है, दूसरा सवाल क्या है, दूसरा सवाल है जैसे पाँच की पावर तीन या तीन की पावर पाँच, तीन की पावर पाँच। तो यहाँ पर हो जाएगा पाँच गुणे पाँच गुणे पाँच या तीन गुणे तीन गुणे तीन गुणे तीन गुणे तीन। इसको पाँच बार गुणा करेंगे, इसको तीन बार करेंगे, पचवां पच्चीस, पच्चीस पच्चे एक सौ पच्चीस, या तीन त्रिक्का नौ, नौ त्रिक सत्ताईस, सत्ताईस तिया इक्यासी, सत्ताईस तिया इक्यासी, इक्यासी तिया इक्यासी तिया, तीन एकम तीन और आठ त्रिक्के चौबीस, आठ त्रिक्के चौबीस, यहाँ आ जाएगा दो सौ तिरालीस। तो हमारी कौन सी संख्या बड़ी हो जाएगी, हमारी तीन की पावर पाँच बड़ी संख्या है, बड़ी संख्या है। इस तरह से हम लोग सवालों को अपने हल करेंगे। आज के लिए बस धन्यवाद, कल हम नई वीडियो के साथ नए टॉपिक के साथ आप लोगों से मिलेंगे।